पार्वती, कई वर्ष तक आपने तप करा पर मैं आपको नहीं मिला। तब देव ऋषि नारद ने आपको हरताली का व्रत का महत्व समझाया। आप अपनी सहेली के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गई, वहां बैठकर बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी और उस दिन तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं करा। बेलपत्र खाती थी वो भी तुमने छोड़ दिया, जल पीती थी वो भी तुमने छोड़ दिया, कंदमूल फल कुछ भी तुमने नहीं पाया। एक नासिका से श्वास लेना, दूसरी नासिका से छोड़ देना, ये भी बंद कर कर एक ही नासिका से श्वास लेकर एक ही नासिका से छोड़ना, ये क्रम तुमने चालू कर दिया। महाराज पार्वती, आपने तप किया, आपने साधना करी, आपने व्रत करा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, एक छिद्र से छोड़ना, ये आपने किया। एक के बल पर जीना प्रारंभ किया कि अब तारेगा तो वो तारेगा। बहुत भटक लिए हम, बहुत भटक लिए, सारी दुनिया में घूमकर आ गए, पर जो सुख शिव चरणारविंद में है वो कहीं नहीं मिलेगा, जो भगवान के चरणों में है वो कहीं नहीं मिलेगा। वो जानता है उसको, मान लो लग जाओ। आराधना पार्वती, तुमने गुफा में बैठकर मेरी आराधना करी, उस समय पर सभी चीजों से तुम वंचित रही, ना तुम निंदा में लगी, ना तुम्हारे मुख से कोई अपशब्द निकला, ना तुम्हारे मुख से शंकर के लिए कोई शब्द निकला। आप अपनी भक्ति करिए, स्मरण करिए। पार्वती आपने रात्रि के पहर में मेरी आराधना करी, पूजन करी, स्मरण करा, ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शिवलिंग का पूजन कर कर तुमने विसर्जन करा। पार्वती उसी के फल से तुम्हारे पिताजी हिमालय राज तुम्हें ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गए, तुमको लेकर तुम्हारे घर चले गए और फिर आपका और मेरा विवाह पक्का हुआ। पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, यह हरताली का तीज के व्रत का फल है। शिवजी कहते हैं पार्वती, जो नारी हरताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें पांच माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, पांच से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो पांच से ज्यादा होना चाहिए, पांच तो जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि सियोर वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं है। हरताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुमारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है, जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हरताली का तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो, जरा हाथ उठाइए, हरताली का तीज इतने सारे करते हो, अरे बाबा कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधु। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो सात स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहां बंधा है, वहां का दर्शन करने, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। सात स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हड़ताली का हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं हड़ताली का तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा सब कार्य सफल करे। जो किसी रोगवश हैं
कोई बीमारी वश है तो फुलेरे का दर्शन अगर मंदिर में करते हैं तो बेलपत्र अवश्य समर्पित करें, या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो सात वृक्ष की पत्ती, कोई भी सात वृक्ष हो उसकी पत्ती तोड़कर हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर को अवश्य समर्पित करें।